ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਆ, ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। 2 ਘੰਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ चले जाते हो। मुझे ये बात तब कभी समझ नहीं आती थी। अच्छा, एक बात तो श्योर है कि यहाँ पर जितने भी इस हॉल में बैठे हैं वो सभी आर्ट लवर हैं। ये बखूबी जानते हैं कि मूवी क्या होती है, ये बखूबी जानते हैं कि कला क्या होती है। और यहाँ पर अभी इस सेशन से पहले तिगड़म मूवी स्क्रीन पर नजर आई और तिगड़म मूवी देखने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हुए और मैं यहाँ पर, बहुत सारे परिवार यहाँ पर बैठे हैं जिनकी आंखों में अब तक आंसू हैं। और एक बार तिगड़म के लिए जोरदार ताली। तिगड़म की बात करूं तो बैक बोन ऑफ तिगड़म डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, फिल्म मेकर एंड किंग मेकर मिस्टर विवेक अंचालिया, एक बार जोर जाता है। और इनके बारे में क्या बोलूं मैं। और आपने कभी चांद के नीचे चांद लिखा देखा? नहीं ना। पर मेरे पास अल्फाज कम है, नींद नहीं आएगी। एंड मैं इनके बारे में यही बोलूंगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जिन्होंने मचा दिया भोकाल। ओटीटी की फुल फॉर्म तो कुछ अलग है, लेकिन इन दोनों को देखते हुए आज मुझे ये लगता है कि ओटीटी की प्लेटफॉर्म ये, ओटीटी की फुल फॉर्म ये बनती है कि ओरिजिनल थ्रू टैलेंट। यस सर, यू अमित सर और विवेक सर, लुधियाना में आए हो पहली बार? सभी को एक बार सत श्रीकाल। नहीं, पहली बार तो नहीं आए, बट सत श्रीकाल। सोचूं जो कभी तो दिल ये टूट जाए, तेरे बिन तो मुझको चलना भी ना आए। तेरी उंगली थामो तो लगे कि मैं आजाद हूँ, तेरे कांधे बैठूं तो लगे कि मैं आकाश हूँ। छोटे छोटे नन्हे नन्हे सपने हैं हमारे, थोड़ी सी खुशियां मांगे, थोड़े से गुब्बारे। तो ये जो एक बच्चा जो है जब आपके कंधे में बैठता है तो उसे वही लगता है कि वो आसमान है। तो ये मेरी पर्सनल फेवरेट लाइन्स है जो इस फिल्म से। आपकी बहुत सारी मूवीज मैंने देखी हैं सर, खास तौर पर कमर्शियल्स भी, बहुत इमोशंस डालते हो आप उसमें, अंदर से कितने इमोशनल हो सर आप? मैं तो बहुत इमोशनल हूँ यार, मैं तो। कितनी बार रोते हो सर दिन में? मैं दिन में तो नहीं, पर मैं हफ्ते में एक आध बार तो रो लेता हूँ। नहीं, वो अभी अभी हमारी सोसाइटी में फिर भी उसको एक्सेप्टेंस ज्यादा मिल रही है, लेकिन जो एक पूरा दौर था जहाँ मर्दों को तो रोना अलाउड था ही नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता, यस वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट था, तो आई थिंक अब वो धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस आ रही है, धीरे धीरे हम मर्दों का फेमिनिन साइड और प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया देखने के लिए। सर, बहुत सारी वेब सीरीज में बहुत सारे एक्टर्स डायलॉग्स में गालियां निकालते हैं, सो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये स्क्रिप्ट की डिमांड है या डायरेक्शन की डिमांड है या पब्लिक की डिमांड है?
आगे जाने किसकी डिमांड है। लेकिन आप सच कह रहे हैं, कभी कभी क्या है कि कुछ चीजें जो होती हैं वो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, क्योंकि अभी एक कैरेक्टर है, जैसे मैंने एक कुछ कैरेक्टर किया था इनसाइड एज, तो है ही ऐसा, अगर वो वैसे नहीं करेगा तो फिर वो अलग ही नहीं लगेगा बाकी लोगों से। बिल्कुल सही। आप इफेक्ट के लिए अगर आप गालियां दे रहे हो, इफेक्ट के लिए गालियां आई थिंक पब्लिक पकड़ भी लेती है, ये अभी जम नहीं रहा है, इसके मुंह पे भी नहीं अच्छा लग रहा है और इस सीन में अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो फिर आप पकड़े जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है इस केस में हमारी राइटिंग में ना, हमें हम जब भी लिखते हैं कुछ, उसके लिए बहुत ज्यादा ऑनेस्टी होना जरूरी है कि हम कोई भी लाइन क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। डायलॉग सर सॉरी नहीं नहीं क्या है, मैं बताता हूँ क्या है। जैसे आप अगर इस फिल्म के भी डायलॉग मुझसे पूछोगे ना, मुझे कुछ याद नहीं होगा, क्योंकि इसका एक रीज़न है, इसका एक रीज़न ये है कि मैं जो भी काम करता हूँ वो काफ़ी अंदर जाके समझ के अपने डायरेक्टरों को खुश करके तो वैसे करता हूँ मैं। और मुझसे फिर वो जब पिक्चर खत्म हो जाती है ना, मुझे कुछ याद रखने का मन नहीं होता उसके अंदर, बिकॉज वो फिर वो क्या है कि दूसरे काम में हिंडर करता है। तो एक बहुत ही सड़ा हुआ शेर सुना दूंगा मैं आपको, बचपन से याद है मुझे, मैंने एक रिक्शे के पीछे पढ़ा था। चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन खिलते हैं फूल। बोलो सुपर सर। अच्छा सर, एक बड़ा छुपता हुआ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं। यस, लुधियाना से है, एक बार ये प्राउड मोमेंट। और जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं अमित, जिन्होंने मैंने बहुत परेशान किया, अमित कहाँ है? परेशान किया सर? अरे भाई बच्चे कौन लाया है? मैंने बहुत परेशान किया मैंने। ओके, तो ये भी पंजाब से हैं। मेरे जो चीफ असिस्टेंट हैं जो कनाडा में, नमन, वो भी पंजाब से ही है। तो हमारी तो फिल्म का ही इतना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट अदरवाइज भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। मतलब अगेन ये तो गिनने वाली चीज ही नहीं है, उस पास के बहुत पार जा चुकी है। क्योंकि म्यूजिक जो है, जो हम तुमने ना खाली बस होता है सेलिब्रेट इस फीलिंग आई सेलिब्रिटी वाली हूँ आप आयो लगी है। फेवरेट जगह अपनी